What's up guys, hope you all are vibing. So the reason मेरे last few videos में I wasn't at home much, मैं बाहर ज़्यादा घूम रहा था, is because I've been shifting same society, just a different building. और अभी मैं और सूरज यहाँ पे आया है. ये मेरा जो home gym setup था, I don't think मैंने आपको दिखाया भी है कभी, but ये था मेरा. I never liked it too much, but इसका मेरे को बहुत ही greasy लगा, especially ये जो pull up, ये जो pulley machine है, lat pull down, ये सब मुझे बहुत greasy लगा. But anyways, मैं और सूरज यहाँ पे आया है इसको dismantle करने के लिए, because I don't think दूसरे घर में ये ले जाना है. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस. आई थिंक वी आर प्लानिंग टू गिव दिस टू द सोसाइटी जिम, जस्ट द बेंच, बिकॉज बेंच फिर भी काफी यूजफुल है. आई जस्ट डोंट लाइक दिस पुल अप लैट पुल डाउन मशीन. दो तीन और मैं तो दो तीन स्क्रू ही निकाल पाया हूँ, बाकी मेजोरिटी काम तो यही कर पा रहा है. मेरी तो काफी फट रही है, हाथ भी दुखने लगे. रेस लगाते हैं इस वाले के लिए. हाँ, इसी को क्या हो गया? खराब हो गया. ये कब खराब हुआ है? बहुत पहले जी. नोटिस ही नहीं किया मैंने. शिफ्टिंग की वजह से मुझे ऐसे पुराने पुराने चीज़ें मिल रही है जो मुझे एकदम नॉस्टैल्जिक कर रही है. अभी अभी मुझे अपने इकोनॉमिक्स की क्लास 12 की बुक मिली है. एज मच एज आई हेट स्टडिंग राइट नाउ, मुझे थोड़ा नॉस्टैल्जिक लग रहा है, बिकॉज आई यूज टू रियली लाइक इकोनॉमिक्स. ये एक सब्जेक्ट था जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, एंड आई डिडंट इवन नो कि ये किताब मेरे पास है अभी तक. बस अच्छा लग रहा है, एकदम सप्लाई डिमांड वाले वाइब्स आ रहे हैं. तो अभी हम जा रहे हैं विराग देसाई के घर पे फिर से. और अभी अभी मुझे एक छोटा सा आइडिया आया थोड़ा मस्ती करने को. जब वो बोलेगा ना यू आर आर्यन खन्ना राइट, तब मैं सम टोटली रैंडम नेम आई विल टेक, लाइक लेट्स सी विराग रमेश कुलकर्णी. एंड आई थिंक हर बार जब मैं उसको मिलूंगा मैं एक ऐसा रैंडम नाम लूंगा जस्ट टू कन्फ्यूज हिम. एंड द गुड थिंग इज कि शायद ऐसे रैंडम नाम लेते लेते आप में से एक का भी नाम ले लूँ, तब मेरे को कमेंट्स में डेफिनेटली बताना, दैट बी रियली कूल. जब भी मेरे आसपास गाड़ी चलाते टाइम इतना बड़ा कोई बस या ट्रक या कुछ आ जाता है ना, डीप डाउन थोड़ी सी फट जाती है मेरी. नो मैटर अगर सेफ भी चल रहा है तो भी थोड़ी सी फट जाती है. आई डोंट नो व्हाई. हे यू आर आर्यन खन्ना राइट? हे यू आर रमेश कुलकर्णी राइट? इट वर्क्ड आउट, इट वाज फनी. बिफोर लाइक कमिंग हियर आई टोल्ड देम कि आई विल जस्ट से अ रैंडम एस नेम. Just to confuse you. Now every time I'm gonna say a random name, bro, whatever comes to my head. अच्छा लगा ना आप लोग को भी. मैं तो है तो भाई. Only thing that's happening is यहाँ से वहाँ birds उड़ रहे हैं. Sure. बहुत खेला हो गया. इसने अभी time lapse लिया. Hug दिया. Class में जब भी तुम यूनिवर्सिटी take a good time lapse ना, ऐसे देखना चाहिए कि आसमान में बादल है कि नहीं. Is there a good something that's actively happening? तो ये वो अच्छा दिखता है. That was a tutorial Virag version. I saw for like 2 seconds. Then they actually, anyways, bro, I saw a message in our class, bro. अभी हम लोग को काफी assignment है. एक दो दिन में submit करना है. And I don't know what's going on. And we should. Yoshita है. Yoshita हमारी friend है, classmate who, जिसकी वजह से हम अभी third year में पहुंच गए हैं. आपका ऐसा नहीं जिंदगी भर नहीं ऐसी कोई बात नहीं. वो हमें बोलती रहती है क्या-क्या बाकी है submit करने का. Okay, serious thing over. It is quite serious, bro. नहीं तो backlog अभी last year ना. बैकलॉग में तो हक दिए फिर. गाइस तो अभी हम लोग बाहर जाने वाले हैं टू प्ले सम पूल्स एंड ऑब्वियसली डू द डेज. बट उससे पहले आई वांट टू शो यू गाइस वन सप्लीमेंट दैट आई हैव बीन टेकिंग इन द पास्ट टू डेज, व्हिच इज वाओ का मैग्नीशियम सिट्रेट. अब ये लेने से मेरी रिकवरी थोड़ी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है. दिस इज फॉर्मुलेटेड टू इम्प्रूव द बायोकेमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी, जैसे कि मसल और नर्व हेल्थ को इम्प्रूव करना, बॉडी मेटाबॉलिज्म और बोन हेल्थ को इम्प्रूव करना. मेरे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्लीप को इम्प्रूव करना. गाइस ट्रस्ट मी, क्वालिटी ऑफ स्लीप हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल. बेटर क्वालिटी स्लीप इज अ रीजन कि मैं ये रात को लेता हूं, एंड आई वुड रेकमेंड कि आप लोग भी इसे रात को ले. ये लेने से हमारे बॉडी के वो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमें स्लीपी और थोड़े से ड्राउजी कर देते हैं. अनदर रियली गुड क्वालिटी अबाउट दिस इज ये वेजिटेरियन है, डेयरी फ्री है और ग्लूटेन फ्री है. और इसका एक कैप्सूल लेने से आपको मिलेगा 500 मिलीग्राम ऑफ प्योर मैग्नीशियम सिट्रेट. ये आपके एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करता है और आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी इंप्रूव करेगा. और अगर आपने अभी तक वाओ का ऐप चेकआउट नहीं किया है, डेफिनेटली डू दैट. वहां पे ऑफर्स चलते रहते हैं और आप उनका फायदा उठा सकते हो. तो अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, क्लिक दैट लिंक एंड यूज माय डिस्काउंट कोड आर्यन टू गेट अ डिस्काउंट. व्हाट टाइम का खेल रहे हो ना? लॉन्ग टाइम. आर्यन लॉस्ट एज ऑलवेज. अभी मैं आर्यन को एक डेयर देने वाला हूँ, उसका आर्यन मुझे एक डेयर देगा. सो लेट्स डू दैट. तुझे कोई भी रैंडम इंसान को ढूंढना है जो रस्ते पे चल रहा है, एंड यू हैव टू कीप सेइंग सॉरी टू हिम. मतलब तुझे कान पकड़ना है, उठक बैठक करना है, द सेटअप्स, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड यू हैव टू कीप सेइंग सॉरी 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 भैया. अभी विराग ने मेरे को एक डेयर दिया था, मैं मुड़ा, आई सॉ दिस गाय, बट देन दिस गाय स्टॉप्ड एंड
He knew me, unfortunately. Bro, what's your name? I'm Abhinav, man. And it was crazy. मैं मतलब इस पे करने ही वाला था, then he stopped the bike. And he just told me that he ये भी content record करता है. डाला नहीं है कुछ. डाला नहीं है. डालूँगा, जल्दी डाल. डाल दे bro, डाल दे. Channel का नाम बता दे. Abhinav Gaikwad. Abhinav Gaikwad. Yeah. Go check it out on YouTube. भैया sorry भैया sorry. भैया माफ कर दो भैया प्लीज भैया. अभी हम खाने को कुछ ऑर्डर ही करने वाले थे बट आंटी हैज मेड पिटला एंड चपाती ना दिस भाकरी. भाकरी और अच्छा मैंने लाइफ में एक ही बार खाया एट द लोअरगढ़ फोर्ट. आप लोग ने साकेत का व्लॉग देखा रहेगा बट आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस. इट लुक्स वेरी टेस्टी. इट हैज अ वेरी डिफरेंट टेक्सचर देन व्हाट दैट वाज. Different types of petlas na. I'm excited. Iska ye na. Okay. Acha petla should be more. Haan. In genuine like. Bahut acha aunty. Very good. अभी 12:30 बज रहे हैं. अभी अभी मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के खाए विद लाइक 5-6 ग्राम ऑफ पीनट बटर ऑन ईच स्लाइस. अरे वो मेलो वाइब आ रहा है ना वो सोते टाइम का तो कम लाइट ठीक है. अभी मैं वे प्रोटीन का एक स्कूप लेने वाला हूँ इसमें एंड देन हम दोनों बस सोने वाले. आज थोड़ा जल्दी सोएंगे अभी 12:30 ही बजे. सो यार आई विल सी यू गाइस टुमारो. गुड मॉर्निंग गाइस. बहुत अच्छी नींद आई कल रात को. अभी मैं और विराग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट खाने. सुबह के 11:30 बजे है. नॉट सुबह एक्चुअली ऑलमोस्ट नून हो गया बट वी आर गोइंग टू पवेलियन मॉल. इसके पास एक 500 रुपी का वाउचर था विच वी आर गोइंग टू यूज. तो ये वाउचर सिर्फ इन जगहों के लिए एप्लीकेबल है एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो एनी ऑफ दीज एक्सेप्ट वाडेश्वर एंड TGIF. और अभी ब्रेकफास्ट खाना है तो आई थिंक विल गो विद वाडेश्वर बिकॉज यू गेट थिंग्स लाइक डोसा एंड स्टफ. और मुझे डोसा बहुत पसंद है. बट वी आर इन पुणे ना. छोले भटूरे एंड स्टफ. बट पुणे में दिल्ली हाइट्स कैसे जाएंगे ब्रो. फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट चलते हैं. Finally the food is here. यहाँ पे मेरे पास है सादा डोसा एंड दिस सांबर स्मेल्स टू गुड. एक्चुअली मैं कहीं भी जाता हूँ मैं सादा डोसा ही मंगाता हूँ. आई डोंट इवन थिंक ट्वाइस. बट हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया है बिकॉज वो वाउचर को एक ही टाइम यूज़ कर सकते हैं. सो वी ऑर्डर ऑल दिस एंड वी हैव टू फिनिश इट. ओके गाइज अभी मैं एक हेयर मास्क लगाने वाला हूँ विच आंटी हैज मेड फॉर मी. आंटी व्हाट ऑल इज देयर इन इट. Yeah, so it's cooked rice, coconut milk, corn flour in it, because all these things contain a lot of starch and proteins. And it has almond oil, olive oil, and I've put a little castor oil because it's very hot right now. Hair tends to dry up a lot, so a little castor oil helps in that. I'm excited. I love trying out hair mask, but I've never tried one with so many ingredients. I put max 2-3. The same one that you put on Virag. Virag, yeah, but उस दिन वो थोड़ा सा मेरा consistency right नहीं हुआ था because the rice was a little undercooked. Okay. Today I made special. That day it was like leftover rice था और बना दिया था. Okay. आज मैंने specially सुबह इसके लिए rice बनाया. Okay. तो I used a more one which was more starchy and I put a lot of water so the rice was like so the consistency is very good today basically. Okay. So like do you like blend the rice? Yeah. अच्छा. मिक्सी. Okay guys, so we are done putting the hair mask और ये मैंने फेस पे भी लगा दिया because auntie told me it's very good for the face. Show show यार इनका final result. It's feeling very fresh and also इसको दो तरीके होते हैं लगाने के. Apparently one is you leave it straight like this and one is you tie it up but I left it straight क्योंकि इसका apparently थोड़ा सा smoothing effect होता है और मेरा hair naturally बहुत ही curly हो जाता है तो I just want to give this a try. I'm really excited. ऑल्सो मेरे जो हेयर मास्क लगाया वो वही सेम हेयर मास्क विराग को भी लगा था बट इसको पुराना राइस मिला था तो ही हैड अ वेरी लंपी कंसिस्टेंसी और मुझे एकदम स्मूथ वाला मिला व्हिच इज व्हाई आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. एनीवेज ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज़ आई गॉट अ शिटी थिंग एंड यू गॉट वाओ. ओह शिट आई कांट इवन स्माइल. इट्स ऑल स्टिफनड अप नाउ प्लस तेरा एसी इज स्टिफनिंग इट अप. एनीवेज आज का वीडियो इसी के साथ खत्म करते हैं. एसी के साथ एसी के साथ
इसी के साथ खत्म करते हैं। इफ यू गाइस एंजॉयड, लीव अ लाइक, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में आई विल टॉक अबाउट हाउ गुड दिस वाज आल्सो, सो या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।